पवन भाई, हमें सब कुछ पता है कि ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वासना में चले जाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पोर्न वीडियो में लगे रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों समय की बर्बादी कर देते हैं। वीडियो कितनी लंबी हो सकती है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक भी बोलूं अंत तक समझना और ध्यान रखना कि ध्यान तुम्हारा भटक ना जाए। एक बात को 50 बार बोलूंगा, लेकिन तुम्हें वो 50 बार सुननी पड़ेगी अगर खुद को बदलना है तो, वरना मर्जी तुम्हारी है, जा सकते हो। ये सवाल पहले जब मैं कॉल पर बात करता था तो हर भाई यही बोलता था, और आज भी अगर मैं किसी की कॉल उठा लूं तो वो भी यही बात बोलता है। कमेंट में भी आ जाती है यही लाइन कि पवन भाई हमें सब कुछ पता है, क्या गलत है, क्या सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किन की संगत करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ पता है A to Z, लेकिन फिर भी हम वासना में हैं, फिर भी हमारे अंदर वृत्तियां भरी पड़ी हैं, फिर भी हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, क्या हो जाता है पवन भाई हमें ऐसा? तो सुनो मेरे भाई, आप लोग पता है क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि एक बार किसी ऊंची पुस्तक को पढ़ने से तुम्हारे जीवन भर की छुट्टी हो जाएगी। आप लोगों को ये लगता है कि एक बार किसी की वीडियो देखने से तुम जीवन भर के लिए निफ्राम हो जाओगे, जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप ये सोचते हो कि ये वाली उपलब्धि मिलने से आप जीवन भर के लिए प्रसिद्ध हो जाओगे, जीवन भर के लिए आप खुशियों से भर जाओगे, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आप लोग अपने साथ धोखा करते हो, खुद से झूठ बोलते हो। आपने देखा होगा कि आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप देखते हो कि कहीं कोई पोस्टर लगा हुआ है, आप फोन में गए तो आपने देखा वहां भी वासना परोसी जा रही है, तो आप ये ध्यान से नहीं देख रहे कि निरंतर तुम्हें वो चीज दी जा रही है, और निरंतर देने की वजह से आज तुम खाना खाते वक्त भी, पढ़ाई करते वक्त भी, परिवार के साथ रहते वक्त भी, ऊंची पुस्तकों की संगत करते वक्त भी वासना के बारे में सोचते हो। इस मानसिकता को तुम्हें कैसे दिया गया? निरंतर बार बार तुम्हारे सामने प्रदर्शित करके, बार बार तुम्हें वो चीज दे देकर। लेकिन आप बुराई के लिए ये नहीं सोचते कि समाज निरंतर कर रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हें बात बदलने की आती है, जीवन को ऊंचा ले जाने की आती है, तो तुम लोग सोचते हो कि एक पुस्तक पढ़ने से, एक बार पढ़ने से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम सोचते हो कि एक बार श्री कृष्ण की संगत करने से तुम जीवन भर के लिए अर्जुन बन जाओगे। तुम्हें निरंतर लगातार ऊंचे लोगों की संगत करनी होगी, जैसे निरंतर लगातार समाज तुम्हें वही चीज दे रहा है जो चीज उसके लिए फायदेमंद है, जिससे उसे मुनाफा होता है। एक बार मेरी वीडियो देखने से, या एक बार किसी और पुस्तक को पढ़ने से, या एक बार कृष्ण की भागवत गीता पढ़ने से कोई बदलाव नहीं आने वाला, और ना ही कभी किसी के में ऐसा आया है। और इस बात को भी ध्यान रखना कि ये जो सब तुम कर रहे हो ना, कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा पवन भाई, मुझे लाभ नहीं मिल रहा, लाभ वाब के चक्कर में मत पड़ो, ये सब थोतली बातें हैं। कृष्ण की गीता इसलिए पढ़ रहे हो कि लाभ मिले, कृष्ण की गीता इसलिए पढ़ो कि तुम्हारा वही जीवन है और उसके बिना आनंद नहीं है कहीं। अगर स्वामी विवेकानंद ऊंचे गुरु और ऊंचे पुस्तक और ऊंचे लोगों की संगत छोड़ देते तो स्वामी विवेकानंद भी वही होते जहां आज हम हैं, और इसमें कोई बुराई या गलत नहीं है। बस फर्क एक बात का है कि निरंतर जिस चीज को करोगे वो चीज तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगी, फिर चाहे तुम रुमाल गेरो या आदमी को, दिखेगी तुम्हें उसके अंदर वासना ही। नारी कोई वस्तु उठाने के लिए झुक रही हो या अपने बच्चे को उठाने के लिए, आपको तो सिर्फ वासना ही दिखेगी, क्योंकि निरंतर डाला जा रहा है आपके अंदर वो। ऐसे ही निरंतर तुम्हें संगत भी करनी होगी, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग करते हो कि आधे समाज के हो जाएं और आधे ऊंचे लोगों के, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऊंचे लोगों की जब संगत करते हैं तो मजा आता नहीं है, और जब मजा नहीं आता तो जीतता कौन है? जीतता वही है जो मजा देता है, समाज। तो आप अगर 5 घंटे YouTube पर दोगे या किसी सोशल मीडिया पर मजे के लिए दोगे, तो दिन में आधा घंटा किसी पुस्तक को दे दोगे, तो बताओ उनमें से जीतेगा कौन? कौन तुम्हारी गहरी मानसिकता बन जाएगा बताओ? और तुम सिर्फ 5 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं हो, फिर जैसे ही फोन को रखकर या टीवी को छोड़कर तुम जैसे बाहर जाते हो, फिर तुम्हें कहीं न्यूज़पेपर दिखेगा, उसमें तुम्हें वासना दिखेगी। तुम किसी के साथ खड़े होगे, जिससे बात करोगे, वो भी तुम्हें वासना देगा। मार्केट में जाओगे तो देखोगे वहां भी वासना मिल रही है, यानी वो 5 घंटे और वो और 5 घंटे। अब तुम देख लो, समाज हर घंटे तुम्हारे साथ रह रहा है,
निरंतर तुम्हें वो चीज दे रहा है जिससे उसका मुनाफा हो। तो बताओ, आधा घंटा किसी पुस्तक को पढ़ने से तुम्हें कभी लाभ मिल सकता है? मिल सकता है क्या? बताओ और जवाब दो मुझे कमेंट में जाकर। तुम लोग इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया को सिर्फ 2 घंटा चला लेते हो, लेकिन 2 घंटा चलने के बाद जब तुम उससे हटते हो तो बाकी बाहरी समाज में और क्या देगा? वो भी तो वही दे रहा है जो वहाँ है, बस वो कम दे देगा। लेकिन निरंतर तो हर कोई दे ही रहा है, पर कोई कृष्ण तक नहीं ले जाएगा। इसीलिए जितने घंटे तुम जिस चीज को निरंतर दोगे, वो चीज तुम्हारी आत्मा बन जाएगी, तुम्हारी चेतना का एक विकराल रूप ले लेगी। एक वीडियो देखने से या एक पुस्तक पढ़ने से या एक दिन पढ़ने से या आधा घंटा पढ़ने से कोई महत्व नहीं रखने वाला। जब तक पढ़ रहे हो तब तक तुम मोटिवेट हो, उसके बाद वो समाज जीतेगा ही जीतेगा जिसको तुम हर समय अहमियत देते हो। बहुत भाई कहते हैं कि पवन भाई इतने साल से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जो कर रहे हो तुम वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक तो ऊंचा लक्ष्य नहीं और दूसरा दिन का हर एक सेकंड समाज को दे रहे हो। अब तुम कहोगे कि नहीं, मैं तो फोन को छोड़ रहा हूँ, फोन ही मेरी जड़ है। फोन छोड़ दोगे तो फिर कहाँ जाओगे? टीवी में? टीवी छोड़ दोगे फिर कहाँ जाओगे? दोस्तों में? दोस्तों को छोड़ दोगे फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं। और यही पता नहीं सबसे बड़ी गलती है। फिर तुम टाइम बिताने के लिए कुछ खोजते हो। सबसे पहला कर्म ये करो कि पहले वो चुनो जिसमें तुम्हारे शरीर का ऊंचे से ऊंचा इस्तेमाल हो। और मैं सही कहूं तो तुम वो कार्य चुनो जिसमें किसी मासूम की मदद भी हो, जिसमें किसी असहाय की सहायता हो। और अगर ऐसा भी नहीं चुन पा रहे तो कम से कम वो चुनो जिसमें मुनाफा ना देखकर सिर्फ तुम्हें उससे प्रेम हो। और इस बात को दिमाग से निकाल दो कि तुम किसी भी चैनल को एक बार देखने से उस चैनल के जैसे या उस पुस्तक के जैसे बन जाओगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई ऐसा बता रहा है तो ये बिल्कुल धोखा कर रहा है। जब भी कभी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो और कहीं कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, तो मेरी उन वीडियो को देख लेना जिसमें मैं समाज को थूकने के लिए कह रहा हूँ। तुम खुद ब खुद होश में आ जाओगे। और अगर मुझसे भी आजादी चाहते हो तो मैं कहूंगा कि ऊंचे से ऊंचे लोगों की संगत कर लो फिर, लेकिन निरंतर करना होगा। ये कोई मजाक या खेल नहीं है कि 2 मिनट गोली ली और तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरह सही भोजन अगर रोज खाओगे तो पेट खराब नहीं होगा, और अगर गलत भोजन पूरे दिन खाओगे और एक दिन सिर्फ रात को हरी सब्जी खा लोगे और ये सोचोगे कि मैं तो निरोगी हूँ, मैं तो हरी सब्जी खा रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखना कि तुम में वही बीमारी होगी जो फास्ट फूड खाने वाले में होती है। क्योंकि सिर्फ एक बार अच्छी चीज खाने से तुम्हारे शरीर पर कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि 90% तो तुम वो खा चुके हो जो तुम्हें रोगी बनाएगा, और 1% खाकर तुम कह रहे हो कि मैं निरोगी हो जाऊंगा। बिल्कुल झूठ है। जब भी तुम बोर हो जाओ और कुछ खोजने की कोशिश करो कि इधर डोल लूं, उधर दोस्तों के साथ घूम लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो समझ जाना कि अब संगत की जरूरत है। तुरंत जाओ और किताबें पढ़ो, तुरंत जाओ उन लोगों के पास जो तुम्हें ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दे सके। और अगर नहीं पता तो मैं कहूंगा कि आचार्य प्रशांत के करीब जाओ, निकट में रहो उनके, और समझो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो हो उसे क्लिक ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है फालतू का ज्ञान। वही इंसान चुनो, वही संगत चुनो जो लगातार तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे व्यक्तित्व को ऊंचा ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाए और समाज की औकात दिखाए। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम एक बार किसी की संगत करने से हमेशा पार निकल जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बड़े बड़े चैनल जो तुमसे कहते हैं कि ये वाला सब्सक्रिप्शन लो, ये लो, ये लो, वो इसीलिए कहते हैं कि अगर लगातार तुम उनके संगत में रहोगे तो विनाश नहीं करोगे। लेकिन तुम्हारा जीवन वीर को रोकने के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन ऊंचा उठने के लिए है। वृत्तियां रहेंगी ही, शारीरिक सुख तो रहेगा ही, और ये मांगेगा ही। इनसे लड़ना और बहस नहीं करना, बस निरंतर खुद के अंदर वो डालना है जिससे तुम्हें वो फ्यूल मिले, तुम्हें वो ईंधन मिले जो तुम्हारे अंदर लगातार सही काम और सही जीवन जीने की ऊर्जा प्रदान कर सके। अब ये भी मत सोचना कि पवन भाई की इस वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर आग बन गई है तो अब मैं कभी वासना में नहीं जा पाऊंगा, अब मैं आजाद हो गया, ऐसा भी नहीं है। अभी हजारों बार समाज के हो जाओगे, लेकिन गिरोगे और संभलो, गिरना ही इस जीवन का काम है। हर बार गिरोगे और जीवन भर गिरते रहोगे। एक वीडियो देखने से कभी कुछ नहीं होगा और एक बार किसी की संगत करने से कभी कुछ नहीं होगा। समाज तुम्हारे निरंतर पास है, निरंतर तुम्हें अपनी संगत करवा रहा है।
फिल्मों के द्वारा, फोटोज के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, न जाने कितनी तरह की चीजें हैं उनके द्वारा तुम्हें अपनी संगत करवा रहा है। तो बताओ जीतेगा कौन? और जब समाज की संगत करते हो तो मजा बहुत आता है शुरू में, लेकिन जब ऊंचे लोगों की संगत करोगे तो बोर फील करोगे। तो जो शुरू में जीत जाता है तुम उसी के हो जाते हो, लेकिन जब दुख होता है फिर किसी और को खोजते हो, पर तब तक देरी हो चुकी होती है। कोई बड़ा से बड़ा चैनल अगर ये कह रहा है कि हमारी इस वीडियो का मेडिटेशन करो, इसका ये करो वो करो, ये वाला सब्सक्रिप्शन लो, ये लो वो लो, तो समझ जाना कि वो निरंतर संगत ही करवा रहा है। अगर तुम निरंतर उसके चैनल पर लगे रहोगे तो भी बच जाओगे तुम। लेकिन वीर तक सीमित नहीं है हमारा जीवन। आप लोग वीर वीर के बारे में ज्यादा करते हो, इसीलिए मुझे डायरेक्ट वीर ही लिखना पड़ता है, वीर के बारे में ही बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ बात वीर की नहीं है, यहाँ बात वृत्तियों की है, यहाँ बात उस चीज की है जो समाज ने हमें दे दी है जबरदस्ती, जो सहज थी लेकिन अब असहज हो गई है। एक बार से कभी कुछ नहीं होगा, किसी के जीवन में नहीं होगा। तुमने देखे नहीं स्वामी विवेकानंद निरंतर सही गुरुओं की संगत और सही पुस्तकों की संगत किया करते थे? तुमने देखा नहीं गौतम बुद्ध को निरंतर ध्यान में रहते थे? तुमने देखा नहीं शिव को? तुमने देखा नहीं हनुमान को? तुमने देखा नहीं राम को निरंतर गुरु की संगत कैसे किया करते थे? समाज में तो थे लेकिन समाज उनमें कभी नहीं था, और इस निरंतर संगत की वजह से वो हैं जो हम कभी बन नहीं सकते, क्योंकि हम तो समाज के हैं। तो ध्यान रखो, अभी इस वीडियो के बाद अभी और दिन आएंगे, तुम देखोगे तुम फिर वृत्तियों में हो, लेकिन टूटने और बिखरने से कुछ नहीं होगा। जब समाज के हो जाओ यानी वीर्य नाश कर दो, तो समझ जाना कि संगत अभी समाज की ज्यादा हो रही है। और जब बोर फील हो और मन करे कि कुछ देख लू कुछ कर लू, तब समझ जाना कि संगत की जरूरत है। तुरंत भागो, तुरंत सही लोगों की तरफ भागो, कि निरंतर जो कर रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। एक दो मिनट या एक आधा घंटा या दो तीन घंटा जो तुम कर रहे हो वो नहीं जीतेगा, जीतेगा वो जो तुम्हारा निरंतर चल रहा है पीछे। अब तुम देख लो कि क्या चल रहा है। ये वीडियो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए मेरे भाई बहुत है, बस समझने वाला होना चाहिए। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और मेरे भाई शेयर क्या कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से उन लोगों की सही संगत हो पाती है जो लोग आज भी वीर्य की वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें वीर्य और वासना में फर्क नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि वृत्तियां क्या होती हैं, जो लगे पड़े हैं सिर्फ एक उस अंग के पीछे जिसका कोई कसूर नहीं, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे जो जाल फेंक रहे हैं। तो पहुंचाइए उन तक, और अगर आप पहुंचाते हैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी वजह से सही समय पर सही लोगों के पास वीडियो पहुंच पाती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।